आजा आजा अभी। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलेंद्र परिहार और आप देख रहे हैं TLR न्यूज़। खिलैनी के अंदर एक जो है यहां पर ड्राइव रखी गई थी जो क्लीनेस्ट ड्राइव को लेकर है। थीम इनका जो है सेव द नेचर अर्थ, और आप देख सकते हैं क्लीनेस्ट ड्राइव को लेकर ये NGO है, लिव्स फॉर अदर बींग हेल्पफुल फाउंडेशन है, और इन कोलैबोरेशन विद दुर्गा पर कोई कमेटी है ये देदनी की, और इसमें जो है और भी बहुत सारे लोगों की जो है कोलैबोरेशन है, और सभी लोगों ने मिल के खिलैनी के अंदर ये ड्राइव जो है चलाया है। और खिलैनी के अंदर ही कौन कौन से पार्ट्स में और ये ड्राइव चलाएंगे, क्योंकि क्लीननेस बड़ी ज़रूरी है, और जहां लोगों को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सफाई तो होती है लेकिन लोगों के जो माइंड के अंदर जो गंदगी है उसकी सफाई जो है वो करने के लिए बहुत सारी NGO जो है काम करती है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम करण शर्मा है और मैं लिव फॉर अदर बींग हेल्पफुल फाउंडेशन का मेंबर हूँ। एट प्रेजेंटली जो हमारा मेन मकसद है एक क्लीननेस ड्राइव है, जो हम खिलैनी में नहीं कर रहे, हम यहाँ से कम 10 किलोमीटर की ट्रैक है जो पैदल है, वो है दिनी माता, नव दुर्गा दिनी माता, और जो हमारी कोलैबोरेशन है वो नव दुर्गा प्रबंधक कमेटी के साथ, साथ में हमारे तल्ला ज्वेलर जो हमारे ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं। और जो इस एक्टिविटी में हमारा जो मेन मैसेज देने का है वो ये है कि लोग जितने भी हो सकता है कि प्लास्टिक कम यूज़ करें, और उस प्लास्टिक कम यूज़ करने के लिए हम जो हैं 500 कपड़े के बैग लेके जा रहे हैं ऊपर माता के मंदिर में, 10 डस्टबिन जो अभी तक वहाँ मंदिर में नहीं है, तो वो हम 10 डस्टबिन वहाँ पर वो लगाएंगे, 50 बोरे लेके जा रहे हैं जिसमें हम जितना भी प्लास्टिक वेस्ट है उसको हम लेके आएंगे, और साथ साथ में हमारे पास जो है वो जो हमारे वॉलंटियर्स आप देख रहे हैं न्यू स्टैंडर्स कंट्री के हैं, कुछ लोकल वॉलंटियर्स हैं, और जो कुछ हमारे पास यहाँ के कमेटी के मेम्बर्स हैं उन्हें जो हमें सपोर्ट करा है वो है। अभी आपने तो कहा कि आप डस्टबिन वहाँ पर इंस्टॉल करोगे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे डस्टबिन लगते हैं, उनको तोड़ दिया जाता है, लोगों को किस तरीके से समझाएंगे? ये लोग तो लगाएंगे जाके, लेकिन ऐसे ही दूसरे लोग जाएंगे वो तोड़ देंगे। सर, जो ये डस्टबिन है ये सिर्फ 2 दिन के लिए वहाँ पे इंस्टॉल होंगे, उसके बाद वो कमेटी को हैंड ओवर कर दिया जाएंगे, और फिर नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा से वो इंस्टॉल किया जाएंगे जब मेला वहाँ पे होगा, जब वहाँ पे गैदरिंग बहुत ज़्यादा होगी तब जाके हम इनको दोबारा इंस्टॉल करेंगे। कहीं कहीं अभी जो आप सोच रहे हो और कहाँ कहाँ पे खिलैनी डोडा डिस्ट्रिक्ट में और कौन से पार्ट पे आपने जो है काम करना है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को जो है मैसेज देना है लेकिन लोग समझते भी नहीं, क्योंकि इतने समय से तो हम भी बहुत सारे क्लीनर्स ड्राइव जो है करते आए हैं और देखते भी आए हैं, लेकिन सफाई तो हो नहीं रही है ना, फिर गंदगी हो रही है। जहाँ पर 5,000 लिखा होता है जुर्माना है तो वहीं पर जाके लोग गंद डालते हैं। इधर ही आपका खिलैनी पीछे जो मोड़ है उसी के पास अगर आप देखेंगे 5,000 लिखा हुआ है कि आपको जो है पेनल्टी पड़ेगी, लेकिन वहीं जाके लोग मतलब डालते हैं कि लेके तो देखो। जी सर, आपकी बात बहुत बिल्कुल सही है, बट अगर हम मैसेज डेली बाई डेली देते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा लोग अवेयर होंगे। अभी आप एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, हमने रिसेंटली एक्टिविटी पंचेरी में करी है, पत्नी टॉप में करी है, नथा टॉप में करी है, और सर आप जो वहाँ से हमने प्लास्टिक वेस्ट निकाला है उसकी जो क्वांटिटी है वो नियर अबाउट 1500 kg है जो हमने पत्नी टॉप से निकाला, और 1000 kg जो हमने पत्नी टॉप से निकाला, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि दिन ब दिन यात्रा बढ़ती जा रही है, किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे देख लो या किसी भी धर्म स्थल पे देख लो वहाँ पे बढ़ती जा रही है, तो अगर आज हम ये मैसेज नहीं देंगे तो कल ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अब आपको ये चीज़ पता है कि एक्टिविटी करवाने में बहुत सारा फंड लगता है, बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप लगती है, तो जो हमारा फंड रेजिंग था वो एक बहुत बड़ा हमारा लिए मसला था, बट हमने जो है सर को मतलब एज अ वॉलंटियर हमने सर को कॉल करी, शक्तिराज परिहार सर को, तो उनने हमें सपोर्ट करा इस पूरी एक्टिविटी में, और एक कॉल पे उनने हमारे लिए सब चीज़ें अरेंज करी, चाहे हमारी गाड़ी है, चाहे बैग्स है, चाहे डस्टबिन है, तो हम उनका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहते हैं इस चीज़ के लिए कि उनने एक कॉल पे हमारे लिए सब चीज़ें करी। तो अभी आप पैदल यहाँ से जाने वाले हो या गाड़ी में जा रहे हैं? यहाँ से हम तक जो हम गाड़ी में जाने वाले हैं और वहाँ से ऊपर हम पैदल जाने वाले हैं। तो यहाँ पे देदनी जो जगह है वो बहुत ही स्पिरिचुअल है, और वहाँ पे लोगों का जो फेथ है वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होके, मेला भी वहाँ पर लगता है, बहुत यहाँ की मान्यता वाली जगह है, तो वहाँ पर जाके ये सफाई लोग